व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे मैं आप लोग को टीच करूंगी कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी आईज़ को प्राइम करना है आई शेडो के लिए, ठीक है। सो टुडे इज़ द लेसन नंबर 2 और उसमें हम आई शेडो के लिए बेस की एप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है। आई मेकअप के लिए जो हम बेस बनाते हैं उसकी एप्लीकेशन करना आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने कंसीलर लिया है, कंसीलर के साथ आप लोग को बताऊँगी हमने कंसीलर का एक बहुत ही टाइनी सा डॉट लेना है, ठीक है। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने कंसीलर लेना है। यहाँ पर मैंने 2 डॉट्स लिए जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए कि जब हम थोड़ा सा ज़्यादा कंसीलर यूज़ करते हैं तो क्या होता है। अब मैं इसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करने की कोशिश करूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरे लिए इसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और बहुत कोशिशों के बाद भी जब मुझे लगा कि मैं इसको ब्लेंड नहीं कर पा रही हूँ अच्छे तरीके से, तो तब मैंने एक स्पंज लिया और मैं उसकी हेल्प से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा, हमारा एक्स्ट्रा कंसीलर होगा, वो मैं स्पंज से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर मैंने स्पंज का यूज़ किया, उससे थोड़ा सा स्टेबल हो गया, जो मेरी बेस थी वो थोड़ी सी अच्छी हो गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी साफ दिख रहा है कि जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वान्टिटी में था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ट्रांसल्यूसेंट पाउडर के साथ या फिक्सिंग पाउडर के साथ, यहाँ पर मैंने कंसीलर यूज़ किया है इसलिए मैं इसे अच्छे से सेट करूँगी ताकि ये क्रीज ना हो, ठीक है। बाद में जब हम आई शेडो लगाए तो आई शेडो भी क्रीज ना हो, राइट। उसके बाद सेकेंड नंबर पर मैंने क्या किया कि मैंने आई शेडो प्राइमर यूज़ किया। आई शेडो प्राइमर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो रिलेटिवली थिक होती है, ठीक है। कंसीलर के मुकाबले में उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थिक होती है। और दूसरी बात ये कि उसे ब्रश के साथ ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है कंपेयर टू कंसीलर, ठीक है। आई शेडो प्राइमर पर हमारा कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में भी बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा जो आई शेडो प्राइमर की अच्छी बात है वो ये है कि उसे सेट करने के लिए किसी पाउडर की ज़्यादा अमाउंट पे ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होगा आपके ब्रश पर वही आपके बेस को सेट करने के लिए होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।